सो जैसे कि अभी हमने सीख लिया हाउ टू स्विच टू बैकड्रॉप, हमने बैकड्रॉप कैसे चेंज करना है, वंस बैकड्रॉप से सेकेंड बैकड्रॉप में हम अपने कैरेक्टर को लेके जा सकते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ स्टोरी इंटरैक्टिव, और उसमें हम चूज करेंगे कैरेक्टर एंड बैकड्रॉप अगेन एंड विल चेंज कलर इफेक्ट। तो अब हम कलर इफेक्ट लेंगे और विल सी कि अगर मुझे कलर इफेक्ट चेंज करना है तो कैसे करेंगे, एंड उसमें और इंटरेस्टिंग हम सीखेंगे कि हमें वॉइस कैसे, अगर मैंने कोई कैरेक्टर है तो वो मेरी वॉइस में बोले। तो आपने देखा, आप जब एनिमेटेड स्टोरीज देखते हो तो मतलब आप लोगों की वॉइस बच्चों की आवाज़ होती है, तो आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें वो कैसे करते हैं वो अभी हम सीखेंगे। तो पहले मैं जाऊँगी राइट साइड, आई विल चूज बैकड्रॉप। तो बैकड्रॉप जैसे मैंने माउंटेन याद रखा है सो दैट इट हमें प्रैक्टिस रहेगा कि हमें सर्च कैसे करना है। तो सिंपली आई नो कि मुझे माउंटेन तो देखिए फटक से मिल गया मुझे, सो माउंटेन पे हम क्लिक करेंगे एंड आई विल डिलीट दिस। तो मुझे ये राइट साइड में से ये स्प्राइट हटाना है बिकॉज मैं यहाँ पर कैरेक्टर दूसरा एक एनिमल लेती हूँ अभी चूज। तो मेरे को एनिमल में जाना है एंड आई विल चूज कैरेक्टर इन एनिमल्स एज आई विल चूज दिस वन यूनिकॉर्न। सो आई हैव टेकन दिस। तो देखिए ये हॉर्स है, इसमें यहाँ पर इसका नाम यूनिकॉर्न है। तो अब मैं इस पे अभी कुछ कमांड इंस्ट्रक्शन दूंगी कोड के थ्रू। तो कोड में अब मुझे जाना है लेफ्ट साइड में, ओके किड्स। तो लेफ्ट साइड में अब हम इसमें साउंड पे ऐड करेंगे। तो हम तीन चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या मैंने बताया, हमेशा लेना है इवेंट में जाना है, वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, तो आपको लेना है स्क्रिप्ट एरिया में। मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है स्क्रिप्ट एरिया में। ओके जूनियर्स नाउ लिसन, अब हमको इस कैरेक्टर में क्या डालना है, अभी मुझे कलर इफेक्ट देना है। तो आई हैव टू गो टू, मुझे कोड में जाना है लुक्स में, कहाँ जाना है लुक्स में, एंड आई वॉन्ट टू चेंज द कलर इफेक्ट। सो मैंने यहाँ पर चेंज कलर इफेक्ट यहाँ से ड्रैग किया एंड आई ड्रॉप। तो यहाँ से मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी कलर चेंज करे, तो यहाँ पर फास्ट मैं चाहती हूँ कलर इफेक्ट चेंज आए, तो वो हमने डाल दिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक साउंड भी हो जाए, क्योंकि अभी हमने वो ट्राई नहीं किया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे साउंड। तो साउंड के लिए सिंपली हमें साउंड में जाना है एंड आई विल टेक ए स्टार्ट साउंड, सो मैजिक स्पेल। सो ये यहाँ पर मैंने ले लिया है। अगर मुझे चाहती हूँ कि रिकॉर्ड वो हम करेंगे, पहले मैं इसका पहले दिखा देती हूँ मैजिक स्पेल, एक मतलब कैसे एक साउंड इफेक्ट और कलर इफेक्ट चेंज होगा। आप यहाँ पर देखिए यूनिकॉर्न, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया स्क्रिप्ट एरिया में मेरी यहाँ पर स्टोरी को कैसे इंटरैक्टिव कलर इफेक्ट कैसे उसका कैसे इफेक्ट आएगा, विल सी हियर। तो विल गो हियर सिंपली एंड सी, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए पहले कौन सा कलर था, अगेन आई विल शो यू। सो इट गोइंग टू बी की चेंज इन द कलर। तो देखिए उसके कलर्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। सो दिस इज मैजिक स्पेल जिसमें आपको साउंड भी सुनाई दे रहा है एंड यू कैन सी द चेंजेस इन द कलर of this unicorn. So you finding interesting, right? So अब हम इसमें अपना अगर voice record करना है तो I can go simply click on the record. और मैं चाहती हूँ बोले hello, 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 hello. So यहाँ पर voice record हो गया, तो I will stop here. Now I will save this and अब मैं इसको कोड डिस्क्रिप्शन में जाके एक प्ले अ साउंड रिकॉर्डिंग, तो देखिए अब मैं ये निकाल देती हूँ और आइदर वी कैन ठीक है एक बार ये दोनों सुन लेते हैं। सो यू कैन हियर दिस राइट। सो देखा कैसे हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हो जाए तो मैं जाऊंगी राइट क्लिक पे एंड आई विल डिलीट फ्रॉम द लेफ्ट, एंड मुझे अगर यही वाला रिकॉर्डिंग वाला वॉइस रखना है तो वो भी हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से कलर इफेक्ट भी चेंज, अगर हम मुझे चाहते हो कि उसका कलर इफेक्ट थोड़ा स्लो चेंज हो तो वी कैन चूज दैट ऑल्सो। और इसमें देखिए कैसे डिफरेंस आएगा, सी उसका कलर डिफरेंस होता जाएगा इस तरीके से। तो यू कैन चूज कलर इफेक्ट बाय जो भी आपको स्पीड में देना है फटाफट, जब हम एक स्टोरी कर सकते तो उसमें ये हम कैसा लेना है वो अपने ऊपर है। सो इस तरीके से आप कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वॉइस हियर एंड आप पोएम भी गा सकते हैं, कोई भी एक बैकड्रॉप लेके आप किसी कैरेक्टर को प्लेस अपनी फोटो भी डाल सकते हैं।
एंड उससे फिर आप अपना ऐसे पोएम बोल रहे हो वो भी दिखा सकते हैं अपनी वॉइस में. ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. अब हमने सीख लिया हाउ टू मेक योर स्टोरी मोर इंटरैक्टिव एंड उसमें हमने वॉइस ऐड करके देखा एंड चेंज कलर इफेक्ट करके देखा. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप.